पिछों यार पिछे पिछे थोड़ा जो हमारे सूत्र हैं उनसे एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें हमें ये मालूम हुआ कि एक गैंग है जो यहाँ उधमपुर में सक्रिय है और इन लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि ये एज अ ढोंगी तांत्रिक बाबा बन के लोगों को ये दिलासा दे रहे थे कि जो टर्मिनली इल मतलब टर्मिनल कंडीशन की जो डिजीजेज है जैसे कैंसर है ऐसे इन रोगों का जो है ये इलाज करते हैं और पूरी तरह से जो है इलाज हो रहा है। इस भरोसे के बाद इस ये झांसा देने के बाद ये किसी के घर में जैसे एंट्री ले लेते थे और इस एंट्री लेने के बाद ये क्या करते थे कि उनके पास इसके अलावा एक और धोखा करते थे। उसमें ये कहते थे कि हमारे पास कोई ऐसे मंत्र है कोई ऐसे तंत्र है जिसके चलते जो मटका है एक वो जादुई मटका है और उस मटके के अंदर मिट्टी है और उस मिट्टी में अगर कोई एक खास तरीके की प्रक्रिया या पूजा की जाए और उसे 41 दिन तक बंद रखा जाए तो उसके अंदर से सोना या कैश जो है वो निकलेगा और जितना कैश में डालेंगे वो डबल हो जाएगा। तो इसके चलते है इन्होंने ये मॉडस ऑपरेंडी जो है इख्तियार करके अभी तक जो हमारे सामने इंस्ट्रक्शन में आया है तीन फैमिलीज को यहाँ उधमपुर के इन्होंने जो है इसमें लूटा है और जो उनका सामान जो उसमें डाला गया था वो भी चोरी हुआ। तो ये तीन लोग मान सिंह गौरी देवी और सचविंदर सिंह जो कि मान सिंह है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है और गौरी देवी जो है वो मध्य प्रदेश से है और सचविंदर सिंह जो है वो गुरदासपुर पंजाब से है। तो ये तीन लोग जो थे जो उसमें सक्रिय थे इन तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे जो है हमने अभी तक 12,03,000 रुपये कैश रिकवर किया है। इसके अलावा तकरीबन 60,000 रुपये की ज्वेलरी जो है चोरी की गई थी वो भी रिकवर कर दी गई है और इसके अलावा इनके जो हमने बैंक डिटेल्स वगैरह जो हमने इसमें इन्वेस्टिगेट किए उसमें से अभी तक हमारे पास बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 4,00,000 कैश और जो है वो जो डिपॉजिट किया गया है वो भी सामने आया है और हमने वो बैंक अकाउंट्स जो है उनको फ्रीज करने की प्रक्रिया जो है शुरू की। सर क्या ये भी मालूम हो पाया कि ये गैंग उधमपुर में कब से सक्रिय है? देखिए जहाँ तक अभी तक हमारे सामने आया है कि पिछले 2-3 महीने से तो ये सक्रिय था और ये डिफरेंट लोकेशंस पे जाके डिफरेंट तरीके से जो है जैसे मैंने कहा कि किसी की डिजीज़ को या किसी के बीमारी को एक वजह बना के घर के अंदर एंट्री प्राप्त करते थे और एक जिसको हम कहेंगे फुटहोल्ड बना लेते थे कि भाई कोई बीमारी है कोई परेशानी है उसका हम कोई निवारण करेंगे और इस नजरिए से इस तरीके से। सर क्या लगता है आपको कि इंटरसिटी गैंग जो है क्या कहीं और भी इन्होंने इस तरह का जो कार्य किया है लूटपाट की है? अभी तो इनिशियल रिपोर्ट्स में आपको क्या आया है कि कहां कहां इन्होंने और भी ऐसी जो देखिए इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो है अभी तक उधमपुर की बात सामने आई है और इसमें जो इनके ठिकाना है जम्मू में और वहां से हमने भी की तो डेफिनेटली हमारा अंदाज़ा है कि हो सकता है कि जम्मू में भी उन्होंने कुछ इस तरीके के काम किए हों और हमारा बेसिक एम ये था कि सबसे पहले तो लोगों को जागरूक किया जाए अवेयर किया जाए कि ऐसे जो कॉन्फिडेंस मैन जिन्हें कहते हैं कॉन मैन इनसे थोड़ा सा वो होशियार रहें और इसके अलावा जो बाकी जैसे जैसे हमारे पास डिस्क्लोजर सामने आते हैं जैसे जैसे क्लू सामने आते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। कितना कैश जो अभी तक जैसे मैंने स्टेट किया 12,03,000 के करीब जो है वो कैश हमारे पास रिकवर हुआ है और उसके अलावा 4,00,000 जो है वो तकरीबन इनके अकाउंट्स में है जिनको हम फ्रीज कराने की प्रक्रिया ऑलरेडी हमने शुरू की।